सभी सुंदर साथ को कोट आन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 2 की 77 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मौसी और इमाम जब देसी मेरी साहेदी में गुझ करी नूर जमाल सो होसी जाहिर बुजर की। सतगुरु और इमाम महंदी जब मेरी साक्षी देंगे तब मैंने जो परमात्मा से बात की है उसकी महत्ता स्पष्ट हो जाएगी। मैं दुनिया लियाया जो दीन में सो में देखत हो अब फिर के होसी मेरे 73 आखर होएगी तब। संसार के जिन लोगों को मैं कर्म कांड में बांध कर इस्लाम धर्म में ले आया हूँ उन अब उनका भविष्य देख रहा हूँ। मेरे ये अनुयायी 73 संप्रदायों में बट जाएंगे, तब अंतिम दिन कयामत की घड़ी आ जाएगी। तब ए बुजरक आवसी साहेब जमाने के हक करसी हिदायत तीन को इनो संग नाजी फिर काजी। उस समय वे महान पुरुष प्रकट होंगे जो अंतिम समय के स्वामी कहलाएंगे। स्वयं परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें आत्म जागृति का मार्गदर्शन देंगे। उनके साथ नाजी समुदाय रहेगा। हरफ गुझ जो हुक में रखे छिपाए सो अरस मता हक खिलवत जाहिर करसी आए। परमात्मा की आज्ञा से ही मैंने उनके साथ हुई वार्ता के कुछ रहस्यमय शब्द गुप्त रखे हैं। परमधाम के उस अखंड वैभव एवं अंग तरंग लीलाओं का रहस्य उक्त महान स्वरूप प्रकट होकर प्रकाशित करेंगे। मता सब म्याराज का किया अरस में हके मजकूर जो मेहर हमेशा मुझ पर सोए सब करसी जहूर। साक्षात्कार के समय मैंने परमधाम में जो कुछ देखा और जो वार्तालाप हुई तथा मुझ पर सदैव परमात्मा की जैसी कृपा बनी रही है उन सब प्रसंगों को इमाम महंदी प्रकाशित करेंगे। और फिर के सब आवसी और सब पैगंबर होसी हिसाब सबन का हाथ हकी सूरत फजर। तब सभी समुदाय में बटे हुए लोग एवं सभी पैगंबर एक साथ एकत्रित होंगे। ज्ञान के उस प्रभात के समय ब्रह्म स्वरूप इमाम मेहंदी के हाथों सभी का लेखा जोखा होगा। ए जाहिर लिखिया फुरमान में पर खुले ना बिना किताब गुझ बातुन होसी जाहिर जब हक लेसी हाथ किताब। उपयुक्त संपूर्ण बातें कुरान में स्पष्ट लिखी हुई है, परंतु परमात्मा की उपाधि लेकर आने वाले इमाम मेहंदी के बिना ये रहस्य स्पष्ट नहीं हुए। जब इमाम मेहंदी के रूप में पधारे हुए परमात्मा अपने हाथों में यह ग्रंथ लेंगे तब सभी गूढ़ रहस्य स्वतः स्पष्ट हो जाएंगे। हक जाहिर हुए बिना मेरी बुजर की जाहिर क्यों होए।
कायम सूर उगे बिना क्यों चिन्हे रात में कोए। रसूल ने यह भी कहा था कि स्वयं परमात्मा के प्रकट हुए बिना मेरी महत्ता कैसे प्रकट होगी। अखंड सूर्य के उदय हुए बिना अज्ञान की रात्रि में कौन पहचान सकता है। अरस कहया दिल मोमिन सब अरस में न्यामत, कहया और दिल पर इबलिस अब देखो तफावत। ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परमात्मा का धाम कहा गया है। उसी हृदय में परम धाम की सभी संपदा समाई हुई है। संसार के अन्य लोगों के हृदय पर तो दुष्ट इबलिस का साम्राज्य कहा गया है। देखो ब्रह्मात्माओं और संसार के सामान्य जीवों में यही अंतर है। मोमिन हक बिना कछु ना रखे, करी मुर्दार चौदे तबक। महमदे मोमिनो राह ए दई, ए राह क्यों लेवे हवाई खलक। ब्रह्म आत्माएं अपने हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखती। उन्होंने तो 14 लोकों की संपदा को तुच्छ माना है। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को इसी मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। निराकार की उपासना करने वाले जीव इस श्रेष्ठतम मार्ग को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। महामत कहे ए मोमिनो, राह बका लियोगे तुम। जिनका दिल अरस कहया, ओरो ना निकसे मुखदम। महामती कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं, उक्त अखंड मार्ग पर तुम ही चल पाओगे। तुम्हारे हृदय को ही परमात्मा का धाम कहा गया है। अन्य लोग तो इस मार्ग की बात भी मुख से नहीं कह सकेंगे। प्रकरण 2 चौपाई 190। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 2 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।